मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम रंजन रंगलाल इंटर विद्यालय सरघाटी से और आप देख रहे हैं विजुअल स्कूल ऑफ गया के तहत गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज टू। मैं लेकर आया हूं 11वीं कक्षा का भूगोल का पाठ्यपुस्तक। आज का पाठ्यपुस्तक जो है आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा वह है भारत का भौतिक भूगोल और इसके अंतर्गत आज का जो शीर्षक होगा वह है प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदाएं। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पूर्व की कक्षा में इसका प्रथम भाग का अध्ययन करवाया था आप सबों के बीच में, आज उसी का दूसरा खंड लेकर मैं आया हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे विभिन्न प्रकार के जो आपदाएं होती हैं उनका चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें जो मुख्य आपदाएं जो हमारे बीच में आती हैं जो मानव जनजीवन पर काफ़ी असर पहुँचाती है, तहस नहस कर देती है मनुष्य के जीवन को, भयंकर रूप से वो अपना भयानक रूप लेकर के यहाँ पर त्रासदी मचाती है, वो प्रस्तुत किया गया है। यह है भूकंप जिसका अध्ययन हमने पहले की कक्षा में किया है। दूसरा जो था वह था सुनामी और तीसरा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में पूर्व की कक्षा में अध्ययन आप कर चुके हैं। यहाँ पर जो चित्रों में दिखाया गया है ये सूखा और सूखा से जो हमारे सामने जो त्रासदी उत्पन्न होता है, जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उसको आज के कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। बाढ़ जनित जो आपदाएं हैं, अत्यधिक वृष्टि के कारण जो संकट प्रस्तुत होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे गिरा हुआ घर जो कि मानव सभ्यता के विनाश का एक कारण बन सकता है, इसके बारे में हम पूर्वानुमान भी पहले से नहीं लगा सकते हैं। साथ ही साथ एक किसान जो कि इस आस में बैठा हुआ है कि अब बारिश हो और धरती की प्यास को बुझाए। लैंडस्लाइड्स जिसे हम भूस्खलन भी कहते हैं आज के कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो सबसे पहले जो आज जो आपदाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वह होगा हमारा बाढ़। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि बाढ़ जो है अति अधिक वृष्टि के कारण उत्पन्न होती है और यह मानवीय जो घटनाएं हैं मानव भी इसके लिए खुद ही जिम्मेवार है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि इसके त्रासदी के बारे में विभिन्न समाचार पत्रों में, टीवी में या और जो भी जो हमारे माध्यम हैं समाचार के, उनमें इसका चित्र का दर्शन आप लोगों ने किया होगा, देखा होगा कि किस प्रकार ये विनाशक हैं, प्रलयंकारी हैं। हम जिस बिहार में रहते हैं उसका उत्तरी भाग बाढ़ से ग्रस्त होता है, इसका त्रासदी हम लगभग प्रत्येक वर्ष झेलते रहे हैं। किस तरह कुछ क्षेत्र में वर्षा ऋतु में बाढ़ आती हैं वहाँ का जनजीवन प्रभावित होता है। बाढ़ एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें नदियों में अचानक से जल का अधिकता हो जाता है, जल की वृद्धि हो जाती है और आसपास वाले क्षेत्रों में अर्थात तटीय क्षेत्रों में ये फैल जाती हैं जिसके कारण फसल, मानवीय निवास यह सब प्रभावित होता है। इस स्थिति को हम लोग बाढ़ कहते हैं। जो दूसरा कारण है, दूसरी आपदाओं के तुलना में बाढ़ के कारण कुछ जाने पहचाने से हैं और ये मानव के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। बाढ़ आम तौर पर अचानक नहीं आती है, कुछ विशेष क्षेत्रों में जो कि लो लैंड का एरिया होता है, निचली भूमि के रूप में जिसे हम जानते हैं, उन क्षेत्रों में इसका प्रभाव दिखलाई पड़ता है। जब हम बाढ़ की बात करते हैं तो ऐसा हम लोग ये समझें कि जो नदी उत्पन्न होती है कई छोटी छोटी नदियों के मिलने से एक बड़ी नदी का निर्माण होता है जिन्हें हम सरिता के रूप में जानते हैं। उन सरिताओं के आपस में मिलने से एक बड़ी सी नदी बनती है। चूंकि जिस क्षेत्र से जल का ग्रहण होता है वह जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है, जल ग्रहण क्षेत्र में जब भारी वर्षा होती है तो नदियों में अचानक से बाढ़ आ जाता है और आसपास वाले क्षेत्रों को वो प्रभावित करती है, आसपास वाले क्षेत्रों में फैल करके फसलों को नष्ट कर देती है, मानव जनजीवन उससे प्रभावित होता है, फसलों का नाश हो जाता है, पशु पक्षी भी उससे प्रभावित होते हैं, तो ये काफी विनाशक हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार जनजीवन अस्त व्यस्त है, पूरा परिवार बाढ़ से प्रभावित होकर आप
शरण लेने के लिए अन्यत्र प्रस्थान कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि पूरे जीवन का कमाई भी इस बाढ़ में इनको गंवाना पड़ जाता है। कितना कठिनाई पूर्वक इनका जीवन व्यतीत होगा जब बाढ़ से ये लोग ग्रस्त होते होंगे। न खाने का अन्न मिलता होगा, न रहने का जगह, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं, और सबसे ज़्यादा परेशानी उन पशु पक्षियों को होता होगा जिन्हें ये पाल करके रखते होंगे। उनके लिए तो खाना का प्रबंध करना बहुत ही कठिन होता होगा। तटीय क्षेत्रों में बाढ़ के आने के भी कई कारण हैं। समुद्री लहरों के कारण इन क्षेत्रों में प्रायः बाढ़ आती हैं। लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश, हिम नदियों का पिघलना, जमीन की अंतःस्पंदन दर में कमी आना और अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी के तली में सेडिमेंट का जमाव होना, जिसे हम अवसाद कहते हैं। जब नदी के तल में अवसाद जमा हो जाता है तो उसका तल छिछला हो जाता है, कम गहराई वाला हो जाता है। परिणाम होता है कि जल काफी क्षेत्र में वह विस्तृत हो जाता है और आसपास वाले क्षेत्रों में वो फैल जाती हैं। हालांकि बाढ़ विश्व में विस्तृत क्षेत्र में आती हैं और काफी तबाही लाती है, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया, खास करके चीन और भारत में इसका भयंकर प्रभाव देखने को मिलता है। ये इसका जो है फ्रीक्वेंसी अधिक होता है। हर वर्ष बाढ़ का सामना हमें करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो दोनों बच्चियाँ हैं किस प्रकार रास्ते में भी पानी के जमाव के कारण किसी सहारा लेकर के वो अपने घर से दूर सुरक्षित स्थान की ओर गमन कर रही हैं। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ के क्षेत्र में देखते हैं कि इनकी उत्पत्ति और क्षेत्रीय फैलाव में मानव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण अंधाधुंध वनों का कटाव हो रहा है, अपरदन की क्रिया में तेजी आ रही है। अपरदन की क्रिया में जब तेजी आ रही है तो मिट्टी कट छट करके नदी के तली को ऊंचा करते जा रहा है, उसका बेड लेवल बढ़ते जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि बाढ़ आएगा ही, पानी का फैलाव होगा ही। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बाढ़ के आने के लिए मानवीय गति निश्चित रूप से जिम्मेवार है। नदियों का तंत्र जो है प्रकृति का बाढ़ अवरुद्ध हो जाता है उन मिट्टी के जमा होने से। बाढ़ित मैदानों पर मानव बसाव की वजह से बाढ़ का खतरा थोड़ा और अधिक हो जाता है। आज जनसंख्या हमारी तेजी से बढ़ती जा रही है और बढ़ती जनसंख्या के लिए आवासीय भूमि की कमी होती जा रही है। अब उन खतरनाक स्थानों पर भी मानव का बसाव हो रहा है जहां पर प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है। जहां पर बांध बनाया गया है उनके आसपास वाले क्षेत्रों में भी मानव अपना निवास स्थान बना रहा है। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, फ्लड प्रोन एरिया है, वहां पर आदमी निवास कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि इसका खतरा बढ़ेगा ही। प्यारे बच्चों, आप भली भांति परिचित हैं कि ऐसे स्थानों पर बसना हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, कितना हानिकारक है, लेकिन मानव उन क्षेत्रों में भी दुस्साहस करके अपना निवास स्थान बना रहा है, चूंकि निवास योग्य भूमि की कमी महसूस कर रहा है। फिर जब हम देखते हैं कि इस नक्शे में किस प्रकार ये बाढ़ से ग्रस्त होकर के ये बालिका अपने घर के बाहर में बचा खुचा हुआ जो इसका सामान है उसको सुखला रही है और ये पूरा का पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है। आप कल्पना कर सकते हैं इससे क्या परिदृश्य रहा होगा पूरे गांव का। इसकी तीव्रता भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। अब हम भारत के मानचित्र में देखते हैं कि कौन कौन सा एरिया जो है हमारा वह फ्लड प्रोन एरिया है। फ्लड प्रोन एरिया कहने का मतलब बाढ़ प्रभावित, बाढ़ संभावित क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना है। तो आप यह देख रहे हैं गंगा सिंधु का मैदानी भाग, यह ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग, गुजरात का कुछ क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बाढ़ आने की संभावना अधिक होती है। चूंकि यह भाग जो आप देख रहे हैं यह उत्तर का विशाल मैदानी भाग का हिस्सा है, इसमें विभिन्न नदियां जो हैं जल ला करके छोड़ती हैं और ये निचले भाग में आकर के भयंकर बाढ़ का रूप ले लेती हैं। यही कारण है कि उत्तरी बिहार का कुछ हिस्सा, प्रत्येक भाग बाढ़ से ग्रस्त रहता है। तो ये भारत के मानचित्र पर हम लोगों ने देखा। भारत के विभिन्न राज्यों में बार बार आने वाली बाढ़ के कारण जान माल का भारी नुकसान होता है। जान माल का नुकसान होता है, जान से तो आप समझ ही रहे हैं
जीव जंतुओं का प्राण संकट में होता है, माल का नुकसान होता है, उनके घर बर्बाद हो जाते हैं, कमाई गई पूंजी समाप्त हो जाती है, बह जाती है, घर गिर जाता है, तो जान माल का यहाँ पर काफी नुकसान होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र माना है। हम आगे मानचित्र में दिखलाएंगे, जिसको मानचित्र 7.6 के रूप में हम लोग अगले स्लाइड में हमने शामिल किया है, भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दिखलाया है, क्योंकि पहले ही इसको मैंने दिखला दिया है चित्र 7.6, जिसकी चर्चा अभी मैंने जस्ट किया है, भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को इसमें दिखला करके। बिहार राज्य जो कि सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त भाग है पूरे भारत का, खास करके बिहार का उत्तरी भाग, साथ ही साथ पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र हैं अचानक से जलमग्न होते रहे हैं, मुख्य कारण है मानसून के समय अचानक और तीव्र वृष्टि के कारण इन क्षेत्रों में बाढ़ का सामना करना पड़ता है। अपवाह तंत्र अवरुद्ध होने के वजह से भी नदियों में बाढ़ आती हैं। तमिलनाडु में बाढ़ नवंबर से जनवरी माह के बीच लौटते हुए मानसून के कारण जो वर्षा होती है उसके द्वारा उत्पन्न होता है। अब जब कारण है तो उसका निवारण भी होगा, बाढ़ आने के कारण भी जब है तो उसका हम निवारण कैसे करेंगे, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे हम लोग। क्योंकि हम देखते हैं कि असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात के तटीय क्षेत्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर गुजरात और हरियाणा में बार बार बाढ़ आता है। कृषि भूमि और मानव बस्तियों के डूबने से आर्थिक क्षति होती है। समाज पर इसका, हमारे समाज पर, हमारे सांस्कृतिक परिदृश्य पर इसका गहरा असर होता है। बाढ़ न सिर्फ फसलों को बर्बाद करती है बल्कि मानव जनजीवन को भी अस्त व्यस्त करती है। जो हमारे आधारभूत संरचनाएं होती हैं उनको भी बर्बाद करती हैं, घर को गिरा देती हैं, ऊंचे ऊंचे टावर हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं, पेड़ पौधे बह जाते हैं, पलट जाते हैं, विद्युत और यातायात के साधन नष्ट हो जाते हैं। तो इसका प्रभाव हम इस रूप में देखते हैं, सड़कें, रेल पटरी, पुल और मानव बस्तियों को भी नुकसान पहुंचाती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे कि दूषित जल के सेवन से जितनी भी बीमारियां होती हैं मनुष्य में होने वाली बीमारियों का लगभग 70% शामिल हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितने भी बीमारियां मनुष्य के पास हैं उसका 70% जो बीमारी है जल जनित हैं। और बाढ़ में शुद्ध पेयजल कहां से उपलब्ध होगा, आप समझ पा रहे होंगे कि असंभव सा काम है शुद्ध पेयजल की उपलब्धता। तो जब बाढ़ आती है तो कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इन बीमारियों में हैजा, कॉलरा, डायरिया, पेचिस और मलेरिया, कालाजार जैसे काफी प्रभावी बीमारियां होती हैं जिससे भारी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर बाढ़ आने से कुछ लाभ भी हैं, लेकिन लाभ की तुलना में हानि अधिक है। इसीलिए बाढ़ का भयानक रूप ही हमारे आंखों में वो प्रस्तुत होता है, आप उसको महसूस करते होंगे। लाभ यह है कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है कुछ न कुछ वहां पर उपजाऊ मिट्टी को लाकर जमा कर देती है, जिससे उपज देने की शक्ति मिट्टी की बढ़ जाती है, लेकिन नुकसान अधिक है, लाभ कम है। इसीलिए हम लोग बाढ़ को प्रलयंकारी बोलते हैं, बाढ़ को हानिकारक समझते हैं। फसलों के लिए लाभदायक है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजौली जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसे माजुली भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, माजुली द्वीप, हर वर्ष बाढ़ से ग्रस्त होता है, लेकिन यहाँ चावल की फसल बहुत अच्छी होती है। ये लाभ भीषण नुकसान की तुलना में बहुत तुच्छ है, बहुत कम है, इसलिए हम लोग लाभ को गौण समझते हैं और हानि को मुख्य समझते हैं। मुख्य रूप से बाढ़ को हम लोग हानिकारक समझते हैं। अब अगले स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा बाढ़ आपदा से निपटने के लिए कौन कौन से एहतियातन प्रबंध किए गए हैं। तो भारत सरकार और राज्य सरकार हर वर्ष बाढ़ से होने वाले गंभीर परिस्थिति से अवगत है, सर्वे करवाया जाता है, नुकसान का आकलन किया जाता है, उससे बचने के भी कई प्रयास
किए जाते रहे हैं। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम जो कि होना चाहिए वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाना। तटबंध कहते हैं नदी के किनारे वाले भाग को ऊंचा बनाना, ताकि नदी जल का फैलाव विस्तृत क्षेत्र में ना होकर कम क्षेत्रफल में ही हो और वो जल आगे चला जाए। तो तटबंध बना करके हम बाढ़ के प्रभाव को कम कर सकते हैं। नदियों पर बांध बनाना, और बांध बनाकर उस जल को किसी दूसरे क्षेत्र में भेज करके बाढ़ के विनाशक प्रभाव को कम कर सकते हैं। आमतौर पर बाढ़ लाने वाले नदियों के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, ताकि नदी वाहिकाओं पर बसे लोगों को कहीं और बसाना और बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या के जमाव पर नियंत्रण रखना। पहले ही भी मैंने बताया कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना है वहाँ पर लोगों के बसाव को कम किया जाए, वहाँ पर रोक लगाया जाए, ताकि वहाँ पर लोग कम संख्या में निवास कर सकें। आकस्मिक बाढ़ प्रभावित देश के पश्चिमी और उत्तरी भागों में यह सबसे ज्यादा उपयुक्त कदम होगा। तटीय क्षेत्र में चक्रवात के कारण भी बाढ़ आती हैं, तो जरूरी है कि वहां पर चक्रवात सूचना केंद्र की स्थापना किया जाए। आप यहां पर देख रहे हैं कि ये वनों को लगाया गया है ताकि मिट्टी का कटाव कम हो और नदी तल में जो अवसाद जमा होता है, जो तलछट जमा होता है, जब फॉरेस्टेशन को हम बढ़ावा देंगे, वृक्षों को लगाएंगे, तो मिट्टी का अपरदन कम होगा और नदियों का तल ऊंचा होने से उसमें रोक लगेगा। तो ये सब एहतियातन प्रबंध किया जा सकता है बाढ़ से रोकने का। अब जो आज का दूसरा आपदा है वह है सूखा। सूखा भी एक प्रलयंकारी स्थिति है, काफ़ी इसका विनाशक प्रभाव होता है। अकाल का प्रभाव, जिस वर्ष अकाल होता है सूखा पड़ता है उसके कई वर्षों के बाद तक भी दिखलाई पड़ते रहता है। सूखा कहते किसको हैं? आप यहाँ पर देख रहे हैं किसान टकटकी लगा करके मेघ के ऊपर टकटकी लगाए हुए कि अब वर्षा हो। जमीन देख पा रहे हैं आप, दरार युक्त है, सारी आशा समाप्त हो चुकी है। कृषि के लिए कोई अब आशा की किरण नहीं दिखाई पड़ रही है। ऐसी स्थिति जब लंबे समय तक कम वर्षा हो, अर्थात या नहीं वर्षा हो, या वाष्पीकरण अधिक हो, जलाशयों और भूमिगत जल का अधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए, तभी इस स्थिति को हम लोग सूखा कहते हैं। सूखा एक जटिल परिघटना है, इसके भी कई कारण हैं। वृष्टि में कमी होना, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, भौम जल, भूमिगत जल, मृदा में नमी, जल भंडारण और भरण, कृषि पद्धतियां, विशेषकर उपजाई जाने वाली फसलें, सामाजिक आर्थिक गतिविधियां और पारिस्थितिकी शामिल हैं। तो अब हम देखते हैं कि सूखा किस प्रकार कई भागों में बटा हुआ है। वैसा सूखा जब खेती हम करने के योग्य नहीं रह जाते हैं, तब उसे हम कृषि सूखा के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर धान का फसल लगाया हुआ है और उस धान के फसल लगाए गए खेत में भी दरार आया हुआ है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस परिस्थिति में कृषि करना संभव नहीं है। इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। जब मिट्टी में आर्द्रता समाप्त हो जाए, नमी कम पड़ जाए, तब यह स्थिति कृषि सूखा कहलाता है। कृषि सूखा के वजह से फसलें मुरझा जाती हैं, उनकी जड़ें सूखने लगती है, पौधों में जल की कमी होती है, अंततः पौधा मर जाता है। इस स्थिति को हम लोग कृषि सूखा कहते हैं। हम कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है, उन्हें भी सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता है। अब है कि जल विज्ञान संबंधी सूखा। यह स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण केंद्र यानी जलाशय जहाँ वाटर टैंक है, पानी को इकट्ठा किया जाता है, जलभूत जमीन के अंदर एक्वीफायर, झीलों इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वारा की जाने वाले जलापूर्ति के बाद भी नीचे ही गिर जाए, मतलब भूमिगत जल रिचार्ज ना हो पाए, जमीन के अंदर पानी की मात्रा घटने लगे, तब इसे हम जल विज्ञान संबंधी सूखा कहते हैं।
तीसरा है पारिस्थितिकी सूखा। पारिस्थितिकी सूखा में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है, परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक तंत्र में तनाव उत्पन्न होता है। विभिन्न प्रकार के जो पशु हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और उत्पादक पौधे, इनमें असंतुलन उत्पन्न होने लगता है, पारिस्थितिकी क्षतिग्रस्त होने लगती है, तभी से हम पारिस्थितिकी सूखा कहते हैं। निराश होकर किसान यहाँ पर सोया हुआ है, सारा हिम्मत इसका जवाब दे चुका है, अब क्या होगा? वर्षा हो भी तो किस लिए? का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब खेती ही समाप्त हो गया, अब जीने का सारा अवलंबन ही समाप्त हो गया, इस परिस्थिति को यहाँ पर दिखलाया गया है। अब है भारत में सूखा ग्रस्त क्षेत्र कौन कौन से हैं, किन किन भागों में सूखा का सामना करना पड़ता है। भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय किसान मानसून के साथ जुआ खेलते हैं। मानसून अनिश्चित अनियमित है, किसी वर्ष मानसून का आगमन समय से होता है तो किसी किसी वर्ष समय के बाद में, कभी मानसून की मात्रा अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है, कभी कभी वृष्टि अत्यंत ही अल्प होती है। इस स्थिति में जो हमारे भारतीय किसान हैं, इनके साथ कृषि कार्य जुआ के रूप में खेलते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भारतीय किसान जो है मानसून के साथ में जुआ खेलते हैं। कुछ अनुमान के अनुसार भारत में कुल भू भाग का 19% भाग और 12% जनसंख्या प्रत्येक वर्ष सूखे से प्रभावित है। सोचिए कितना विशाल जनसंख्या, और उस विशाल जनसंख्या का 12% हिस्सा सूखा प्रभावित है। देश का लगभग 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो सकता है, 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि जब देश के कुछ भागों में सूखा होता है तो दूसरे तरफ बाढ़ भी होता है, यानी बाढ़ और सूखा दोनों का सामना हमारे देश में किया जाता है। यही सबसे बड़ी त्रासदी है। जिस समय एक क्षेत्र में सूखा होता है, बाढ़ कहर बरपाती रहती है, तो दूसरी ओर हमारे किसान सूखे का भी सामना करते रहते हैं। यह मानसून में परिवर्तनशीलता और इसके व्यवहार में अनिश्चितता का ही परिणाम है। सूखे का प्रभाव भारत में व्यापक है, लेकिन जहां ये बार बार पड़ते हैं वहां उसका प्रभाव अधिक है। सूखे की तीव्रता के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। अब सूखा के आधार पर हम लोग देश को 4 जोन में बांटते हैं। सबसे पहला जो है सबसे अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, दूसरा जो जोन है वह गंभीर सूखा प्रभावित जोन है, तीसरा है सामान्य सूखा प्रभावित क्षेत्र है, और जो चौथा भाग है वह सूखा रहित क्षेत्र है। आप इस नक्शे में देख पा रहे होंगे जो हमारा सबसे पहला जो क्षेत्र है, सबसे अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, वह राजस्थान का इलाका, जिसे हम मरुस्थली भाग भी कह सकते हैं। यह भाग देश के मानचित्र पर सबसे अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र में शामिल है। दूसरा जो भाग है वह गंभीर प्रभावित क्षेत्र मध्य प्रदेश का हिस्सा, मध्य प्रदेश यहां पर हो गया, तो ये हमारा जो है, और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा सूखा प्रभावित के गंभीर क्षेत्रों में है। तीसरा जो जोन है वह सामान्य सूखा का क्षेत्र है, और जो चौथा है सूखा रहित क्षेत्र है। देश का उत्तरी भाग, दक्षिण के पठारी भाग में कुछ क्षेत्र जो है वह सूखा रहित क्षेत्र है। इस प्रकार पूरे देश को हम सूखा प्रभावित क्षेत्र के रूप में 4 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र को मैंने चित्र 7.8 में प्रस्तुत किया। पिछले जो नक्शा जो हमने प्रस्तुत किया यहाँ पर मानचित्र को जो दिखलाया वो 7.8 था। इसमें दिखाया गया है कि राजस्थान के ज्यादातर भाग, खास करके अरावली के पश्चिम भाग का स्थित भाग मरुस्थली है, और यह भाग सबसे अधिक सूखा प्रभावित है। राजस्थान का जैसलमेर और बाड़मेर जिला भी इसमें शामिल है। यहाँ वर्षा 90 मिलीमीटर से भी कम होती है, या औसत वर्षा है। पूरे साल में 90 मिलीमीटर से भी कम जब वर्षा होती है तो वह क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र के श्रेणी में शामिल किया जाता है। दूसरा जो है अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र में है राजस्थान का पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सा और महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग में, कर्नाटक के पठारी भाग में, तमिलनाडु के उत्तरी भाग में और झारखंड के दक्षिणी भाग में, उड़ीसा के आंतरिक भाग में अधिक सूखा
प्रभावित क्षेत्रों को हम देख पाते हैं। तीसरा जो भाग है सूखा प्रभावित क्षेत्र का, वह है मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र। इसके अंतर्गत राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, गुजरात के शेष भाग, महाराष्ट्र के वैसे भाग जो कोंकण तट को छोड़कर हैं, झारखंड, तमिलनाडु के कोयम्बटूर पठार और आंतरिक कर्नाटक के भाग मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। भारत के बचे हुए भाग बहुत कम या ना के बराबर सूखा है, अर्थात सूखा रहित क्षेत्र हैं। अब सूखा के क्या परिणाम होते हैं समाज पर, क्या उसका असर होता है? तो पर्यावरण और समाज पर सूखे का व्यापक प्रभाव पड़ता है। फसलें बर्बाद होने से अन्न की कमी होती है, जिसे भूखमरी की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे हम अकाल के रूप में जानते हैं। चारा कम होने की स्थिति में पशु मरने लगते हैं। यहां पर देख पा रहे हैं चारा के अभाव में किस प्रकार ये जानवर मर गया, भोजन भी नहीं मिल पाने के वजह से। जब वह स्थिति आए कि जानवर को खाने के लिए घास भी उपलब्ध ना हो, तो वैसे अकाल को हम लोग तृण अकाल कहते हैं। तृण संस्कृत का शब्द है और तृण का अर्थ होता है घास। वह अकाल जब घास भी पशुओं को ना मिले, तो हम लोग उसे तृण अकाल कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि तृण अकाल क्या है? तो जी हाँ, आप कह सकते हैं कि वह अकाल की वह स्थिति जिसमें पशुओं को घास भी ना मिल पाए, भोजन भी नहीं मिल पाए पशुओं को, तो वह स्थिति तृण अकाल कहलाती है। इसके बाद में जब हम देखते हैं, वह है जल अकाल, अर्थात जल की आपूर्ति में जब कमी उत्पन्न हो, जल की उपलब्धता भी कम हो जाए, तब वह अकाल की स्थिति जल अकाल कहलाता है। और तीसरा है कि जब उपरोक्त तीनों परिस्थितियां आपस में मिल जाती हैं, तब यह त्रियाकाल कहलाता है, यह सबसे गंभीर अकाल है, त्रियाकाल। पारिस्थितिकी प्रभावित हो, जल भी नहीं मिले और पशुओं को घास भी ना मिले, तब यह त्रियाकाल कहलाता है। कितना भयंकर परिणाम होता होगा हम लोग कल्पना कर सकते हैं। ऐसी स्थिति को अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा। सबसे अधिक विश्व विध्वंसक है सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बृहद पैमाने पर मवेशियों और अन्य पशुओं की मौत होती है। मानव में प्रवास होता है, भोजन की तलाश में सुरक्षित स्थान पर पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं। इसके कारण से इस प्रकार प्रवास पाया जाता है। लोगों का पलायन होता है, वह अपना निवास स्थान यानी मूल स्थान छोड़कर के अन्यत्र बसने के लिए चले जाते हैं, तब यह स्थिति पलायन कहलाती है। और सूखा पड़ने के बाद इस प्रकार की स्थिति सामान्य हो जाती है। पानी की कमी के कारण लोग दूषित जल पीते हैं, जिससे जल जनित विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, आंत्रशोथ, हैजा और हेपेटाइटिस। इस प्रकार सूखा से उत्पन्न बीमारी मुख्यतः हम लोग देख सकते हैं। आंत्रशोथ, पेचिस, ये सारा जो बीमारी है, हेपेटाइटिस, ये दूषित जल के सेवन से होता है। सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे का प्रभाव तत्कालिक भी पड़ता है और दीर्घकालिक भी प्रभाव पड़ता है। सूखे का कुछ प्रभाव ऐसा है जो तुरंत दृष्टिगोचर होता है, जबकि कुछ प्रभाव ऐसा है जो काफी लंबे समय तक बना रहता है, जिसे हम दीर्घकालिक प्रभाव कहते हैं। सूखे की स्थिति में तत्कालिक सहायता में सुरक्षित पेयजल का वितरण करना, दवाइयां उपलब्ध करवाना, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करवाना, सुरक्षित स्थान तक पशुओं को पहुंचाना ताकि वो जीवित रह सकें, ये सब तत्कालिक प्रयास हैं सूखे से निजात पाने के लिए। दीर्घकालिक योजनाओं में हैं भूमिगत जल के भंडारण का पता लगाना, किन किन क्षेत्रों में भूमिगत जल अधिक उपलब्ध है इसका पता लगा करके उसका दोहन करना, जल अधिक क्षेत्रों से अल्प जल क्षेत्रों में पानी पहुंचाना, नदियों को जोड़ना। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का एक सपना था नदियों का गठजोड़। इसके लिए इसी सूखे की स्थिति से निपटने का एक प्रयास था जो कार्य रूप में नहीं दिया जा सका है। जलाशयों का निर्माण ताकि बड़े बड़े टैंक बना करके वर्षा जल को इकट्ठा किया जाए और सूखे की स्थिति में उसका लाभ सिंचाई के लिए लिया जा सके, पेयजल के लिए लिया जा सके, पशुओं को पीने के लिए उपलब्ध कराया जा सके। नदियां जोड़ने के लिए द्रोणियों की पहचान करना, भूमिगत जल भंडारण की
संभावना का पता लगाने के लिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जा सकता है। उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर भी सूखे से राहत देने के लिए हम लोग कार्यक्रम अपना सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं जो कम वर्षा में उपज सकती हैं, वैसे बीजों का चयन करना, उनका प्रचार प्रसार करना, किसानों तक उनकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास करना सूखा से छुटकारा पाने का एक अच्छा माध्यम बन सकता है या दीर्घकालिक उपाय में शामिल किया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हम प्रयोग कर सकते हैं, वर्षा जल को संचयित कर सकते हैं। जो हमारे छतों पर पानी जमा होता है बरसात में, वो एक पाइप के द्वारा उसको कहीं पर इकट्ठा करके जो भूमिगत स्रोत तक पहुंचा दिया जाए ताकि वो उसका रिचार्जिंग पुनः हो सके, जल की पुनः पूर्ति हो सके। अब यहाँ पर एक प्रश्न प्रस्तुत किया गया है कि अपने पास पड़ोस में छत से वर्षा जल संचयन के लिए तरीके समझें और इन्हें ज़्यादा कारगर बनाने के लिए उपाय बताइए। आसपास में जो घर हैं, ढलाई वाला घर, पक्का घर, उससे वर्षा जल का संचयन आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप कुछ उपाय बताइए। मैं चाहूँगा कि कमेंट वाले बॉक्स में आप इसके बारे में जरूर कमेंट करेंगे, लिखेंगे, सुझाव बताएंगे ताकि आप अपने आइडिया को शेयर कर सकें। अब जो अंतिम जो आपदा है वह है भूस्खलन, लैंडस्लाइड जिसको हम लोग बोलते हैं। यह प्रायः उन क्षेत्रों में आती हैं जो पर्वतीय हैं, पहाड़ी भागों में लैंडस्लाइड प्रायः देखने को मिलता है। क्या आपने श्रीनगर को जाने वाली सड़क और कोंकण रेल पटरी पर चट्टानें गिरने से रास्ता रुकने के बारे में पढ़ा है? यह भूस्खलन की वजह से होता है। चट्टानें ऊपरी भाग से नीचे वाले भाग में सरक करके आ जाती हैं, सड़कों को रोक देती हैं, नदी द्रोणियों में अवरोध पैदा करती हैं। नदी द्रोणी कहने का मतलब है नदी का जो बीच वाला भाग है, नदी में ही चट्टान आके जमा हो गया, अब पानी बहाव में उसका रुकावट पैदा होता है तो आसपास वाले क्षेत्रों में उसका नुकसानदेह असर दिखाई पड़ता है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये देखने को मिलता है जो कि भूस्खलन का उदाहरण है। यहाँ पर मानचित्र में मैंने दिखलाया है लैंडस्लाइड किन किन क्षेत्रों में अधिक होने की संभावना है। तो देश के उत्तरी भाग यानी पर्वतीय भाग जो है हिमालय का, इस भाग में लैंडस्लाइड होने की घटनाएं प्रायः देखी जाती हैं। कुछ हिस्सा जो हमारा ये तटीय हिस्सा है, यहाँ पर भी लैंडस्लाइड होने का संभावना होता है। देश का पूर्वोत्तर भाग में भी लैंडस्लाइड प्राय हुआ करते हैं। लैंडस्लाइड भी मानवीय गतिविधियों की वजह से ही होता है, ऐसा हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि आदमी उन क्षेत्रों में जाकर के बसा है जहां पर उन्हें नहीं बसना चाहिए था, जहां बसना कठिन था, फिर भी वहां पर जाके बस रहा है, प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ कर रहा है, जिसके वजह से लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं होती हैं, भूस्खलन जैसी घटनाएं होती हैं। चट्टानें जब खिसक करके ढाल के सहारे नीचे गिरती हैं तब इसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। सामान्यतः भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी फटना, सुनामी और चक्रवात की तुलना में कोई बड़ी घटना नहीं है, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ता है। भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारण से होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस प्रकार ये पूरा बसाव का हिस्सा है, चट्टानें खिसक करके मिट्टी का जो हिस्सा है वह सरक करके नीचे आ गया। अब सोचिए इस भाग में यदि घर बना हुआ होता, मानवीय बसाव होता तो क्या होता, सब लोग तबाह हो जाते, घर बर्बाद हो जाता, लोग दबते मरते, भयंकर त्रासदी उत्पन्न होता। आकस्मिक घटनाएं यह होती हैं, ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि किस क्षेत्रों में लैंडस्लाइड आती हैं। अब भूस्खलन को परिभाषित करना, उसके व्यवहार को शब्दों में बांधना मुश्किल कार्य है। आखिर लैंडस्लाइड के बारे में जब हम परिभाषित करने की बात करते हैं तो निश्चित शब्दों में इसकी परिभाषा देना संभव प्रतीत नहीं होता है, फिर भी जो अनुभव है हमारा पिछला, इसके आधार पर, इनकी बारंबारता और इसके घटने को प्रभावित करने वाले कारक के आधार पर, भू विज्ञान, भू आकृतिक कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण और मानव क्रियाकलापों के आधार पर भारत को विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में बांटा गया, जैसा कि पूर्व के मानचित्र में आपने देखा है। अब इन भूस्खलन के मात्रा के आधार पर इसे कई भागों में हम बांट करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सबसे अधिक है अधिक सुभेद्यता क्षेत्र, अर्थात वह क्षेत्र जहाँ भूस्खलन होने की संभावना अधिक है, उन क्षेत्रों को अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र के अंतर्गत में हमने रखा है। यह हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाओं, अंडमान और निकोबार, पश्चिमी घाट और नीलगिरी में
अधिक आती हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में दिखाई पड़ता है जहां पर मानवीय क्रियाकलाप अधिक होता है, निर्माण कार्य किए जाते हैं। अत्यधिक भूस्खलन सुभेद्य क्षेत्र में इनको रखा गया है। आप देख रहे हो किस प्रकार नदियों के द्वारा ये लैंडस्लाइड यहाँ पर उपस्थित हो रहा है, ऊपर से सरक करके चट्टान के साथ साथ मिट्टी नीचे आ रही है। इसमें पूरा मानव बसाव मेरा प्रभावित हो रहा है, ऊपर से पूरा मिट्टी सरक करके नीचे के घरों पर गिर रहा है। लैंडस्लाइड से यहाँ पर तबाही को दिखलाया गया है इस चित्र के द्वारा। जो दूसरा है अधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्र, अधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्र में भी अत्यधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्रों से मिलती जुलती स्थितियां होती हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। भूस्खलन को नियंत्रित करने वाले कारकों के संयोजन, गहनता और बारंबारता का हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य और उत्तर पूर्वी भाग अर्थात असम को छोड़कर अधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। इन क्षेत्रों में भूस्खलन होने की संभावना अधिक है। सबसे पहले जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा वो था अत्यधिक सुभेद्य क्षेत्र, यह है अधिक सुभेद्य क्षेत्र। मध्यम और कम सुभेद्यता वाले क्षेत्रों में हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र अर्थात लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के स्पीति अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा वाले क्षेत्र, पश्चिमी और पूर्वी घाट और तथा दक्कन के पठारी भाग में यह क्षेत्र दिखाई पड़ता है। हम कभी कभी पड़ोसी राज्य झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में भी भूस्खलन की घटनाओं को देखते हैं। समाचार पत्रों के द्वारा जानकारी हासिल होती है कि भूस्खलन वहां पर हुआ जिससे जान माल की काफी क्षति हुई है। खदान में जहां पर जमीन के अंदर से खनिजों को प्राप्त किया जाता है उन क्षेत्रों में भी भूस्खलन होता है। यह मानवीय कारक ही तो है। जमीन खोखला हो गया, ऊपर से दबाव बढ़ता है, भूकंपीय गतिविधियां होती हैं तो वह स्थान नीचे धंस जाता है, वह भी भूस्खलन का एक उदाहरण है। अन्य क्षेत्रों में विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला को छोड़ करके असम में कार्बी आंगलोंग पठार के भाग के छोड़ करके दक्षिण प्रांतों के तटीय क्षेत्र जो है भूस्खलन युक्त है, अर्थात इन क्षेत्रों में भूस्खलन हुआ होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सड़क मार्ग किस प्रकार प्रभावित हुआ है भूस्खलन के वजह से। ये जो आने जाने का जो साधन था वो नष्ट हो गया है, कार किस प्रकार दब गया है इसके अंदर में। अब सबसे बड़ी बात है कि भूस्खलन को विभिन्न भागों में हम लोगों ने देखा कि इसे अत्यधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्र, अधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्र, कम सुभेद्यता वाले क्षेत्र, और जब इतना जान चुके हैं तो इसे इसके कौन कौन से परिणाम होते हैं यह भी हम लोगों को जानना जरूरी है। परिणाम मतलब इसका रिजल्ट, इसका असर क्या होता है, मानव जनजीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो भूस्खलन प्रायः छोटे क्षेत्रों में होता है लेकिन काफी विनाशक प्रभाव लाता है। रेल पटरियां टूट जाती हैं, जल वाहिकाएं रुक जाती हैं, जान माल का खतरा उत्पन्न होता है। भूस्खलन की वजह से नदी के रास्ते में बदलाव आती हैं और जान माल का नुकसान होता है। आवागमन के साधन ठप हो जाते हैं, बिजली के साधन नष्ट हो जाते हैं। तो ये इसका परिणाम है भूस्खलन का। अब है कि इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, भूस्खलन से हम लोग बच कैसे सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इन क्षेत्रों में यदि हम बसाव कम कर लें, प्रकृति पर नियंत्रण प्राप्त कर लें, प्रकृति से जब तक हम छेड़छाड़ करते रहेंगे प्रकृति भी समय समय पर सजा हमें देती ही रहेगी। भूस्खलन से निपटने के उपाय अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में बांध बनाने पर रोक लगाया जाए, सड़कों के निर्माण पर रोक लगाई जाए, खनिज जब जमीन के अंदर से निकाला जाता है तो उस भाग को पुनः भर दिया जाए, तब हम इस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। पेड़ पौधे लगा करके भी हम भूस्खलन को रोक सकते हैं, क्योंकि ढलान वाले भाग पर जब पेड़ पौधे होंगे तो जड़ों के द्वारा उस मिट्टी को रोका जाएगा बहने से, तो फिर स्वाभाविक रूप से हम इस पर निजात पा लेंगे, उस पर काबू पा लेंगे। बांध बना करके भी हम नदी के बहते जल को रोक करके भूस्खलन को हम लोग कम कर सकते हैं। स्थानांतरित कृषि भी किया जा सकता है ताकि लगातार लंबे समय तक वो मिट्टी बंजर न बन पाए, वहां पर पेड़ पौधे पुनः उग जाएं। इसके लिए जरूरी है कि हम वहां पर
स्थानांतरित कृषि करें। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार स्थानांतरित कृषि किया गया। यह ढालुई भाग था, इसको काट दिया गया और स्टेप बाय सोपान के रूप में, सोपानीकृत खेती भी इसको कहते हैं, तो इसको हम इस रूप में विकसित कर सकते हैं ताकि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप के बाद तीसरा स्टेप, तीसरा के बाद चौथा स्टेप सोपान के रूप में हो। यदि पानी बहती भी है तो पूरे वेग के साथ यहाँ पर नहीं बहेगी, मिट्टी का कटाव कम होगा, तो और मिट्टी का कटाव कम होगा तो लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं पर हम नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। अब इन सभी आपदाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अब हम जानेंगे आपदा प्रबंधन के बारे में, हाउ टू मैनेज इट, इसको हम कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, कैसे इनके द्वारा जो नुकसानदेह असर जो है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात के आने का समय और स्थान की भविष्यवाणी संभव है। इसके अलावे विभिन्न आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर हम इससे छुटकारा तो नहीं पा सकते हैं लेकिन इसके असर को कम जरूर कर सकते हैं, इनसे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। जैसे चक्रवाती जो क्षेत्र हैं वहाँ पर शेल्टर का निर्माण करें, यहाँ पर किया गया मल्टीपर्पज साइक्लोन या फ्लड शेल्टर का निर्माण किया गया है। बाढ़ से बचाव के लिए भी इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं और साथ ही साथ चक्रवाती तूफान से भी बचने के लिए लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए इस प्रकार के आश्रय गृह स्थापित किया जाए ताकि विपदा में आपदा के समय में, आफत के इस समय में लोगों के काम में आ सके, यहां जान माल की रक्षा हो सके। अब आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में पारित किया गया, उसके अनुसार है कि इस अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना या संकट या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है, जो प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानवकृत हो सकते हैं। प्राकृतिक घटनाओं में भूकंप, चक्रवात, सुनामी, मानवकृत घटनाओं में लैंडस्लाइड भी उसमें शामिल हो सकता है, या विभिन्न कारणों से दुर्घटना या लापरवाही का परिणाम हो जिससे बड़े स्तर पर जान की क्षति या मानव पीड़ा, पर्यावरण की हानि और विनाश हो जिसकी प्रवृत्ति या परिमाण प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदाय की सहन शक्ति से अधिक हो उसे हम आपदा कह सकते हैं। अब है निष्कर्ष, उपरलिखित विवरण से यह पता चलता है कि आपदाएं दो तरह की हो सकती हैं, मानव निर्मित भी हो सकती हैं, मानवकृत हो सकती हैं या फिर प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं, परंतु हर संकट को हम आपदा नहीं कर सकते हैं। आपदाओं और विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण मुश्किल है, इसका बेहतर उपाय इनके निवारण की तैयारियां करना है। हम इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं, हाँ इसको असर को कम कर सकते हैं। अब है आपदाओं से निपटने के लिए तीन स्टेप है, तीन तरह की अवस्थाएं हैं जिनका हम अनुकरण कर सकते हैं। सबसे पहला है आपदा के पूर्व का प्रबंधन, दूसरा है आपदा के समय का प्रबंधन और तीसरा आपदा के बाद का प्रबंधन। आपदा के पहले में आपदा के बारे में हम डेटा कलेक्ट करें, किन किन क्षेत्रों में संबंधित आपदाओं के होने की संभावना है, कौन कौन से उसके असर होते हैं, कौन कौन क्षेत्र में कितना व्यापक रूप से वो आता है, इसका डेटा कलेक्ट करके आने वाले समय में हम इसका जानकारी लोगों के बीच में फैला करके हम इसका तैयारी कर सकते हैं, लोगों को आपदाओं से बचा सकते हैं। दूसरा है आपदा के समय प्रबंधन, जैसे युद्ध स्तर पर बचाव और राहत का काम करना, आपदाग्रस्त क्षेत्र में से लोगों को निकालना, यह आपदा के समय का प्रबंधन हो सकता है। राहत कैंप जिसको रेस्क्यू कैंप हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर पानी, भोजन की उपलब्धता करवाना, दवाई की आपूर्ति कराना, ये आपदा के समय का प्रबंधन है। आपदा के बाद का प्रबंधन है कि जो लोग प्रभावित हो चुके हैं उनको पुनः स्थान पर बसाया जाए, प्रभावित लोगों का बचाव और पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन, उसको पुनः हम बसाएं और भविष्य में ऐसी आपदाएं यदि आएँ तो उनसे हम किन प्रकार निपटें, इन सारी चीज़ों की तैयारी करना है। भारत जैसे देश में जहां दो तिहाई क्षेत्र और जनसंख्या आपदा प्रभावित हैं, यह जरूरी है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुरूप इस दिशा में प्रयास करें, खासकर भारत सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम इसके लिए मुख्य उदाहरण के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं। प्यारे बच्चों,
आज का चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस चैप्टर के अंत में यहाँ पर दे दिया गया है और उसके आदर्श उत्तर भी प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे पहला उसमें है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न, उसका उत्तर यहाँ पर है कि भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती हैं। तो प्यारे बच्चों, आप पहले से ही जानते ही हैं और ये बिहार इसका उत्तर होगा। बिहार में प्रत्येक वर्ष उत्तरी बिहार में बाढ़ आती ही है किसी न किसी रूप में। तो भारत के किस राज्य में बाढ़ आने की संभावना है, बिहार है, लेकिन यहाँ उत्तर असम दिखाया गया है जो कि यहाँ पर संदेह उत्पन्न कर सकता है, यह मिसप्रिंट हुआ लिखने की वजह से, बिहार इसका उत्तर होगा। उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी, तो पिथौरागढ़। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न भी दिया गया है, जिसका आदर्श उत्तर भी यहाँ पर दिया गया है। आप जब वीडियो देख लेंगे उसके बाद में इन प्रश्नों का अध्ययन करके इस पूरे चैप्टर का हृदयंगम कर सकते हैं, आप इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी हासिल कर सकते हैं। तब तक आप देखते रहेंगे, धन्यवाद। अगली कड़ी में मैं फिर पुनः अगले चैप्टर के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।